क्या जो आप मेरे पीछे सिस्टम लगे देख देख रहे हैं अलमदिल्ला भी नियर बाय सिस्टम लगे हुए हैं ये सारे अलहमदिल्ला मेरे नेबर मेरे से देख के इंप्रेस होकर उन्हें लगवाया है मैंने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने घर के सिस्टम को डिज़ाइन किया है जो लोड जो है वो तकरीबन 1600 सौ से 1800 सौ यूनिट जो है वो मंथली मेरे यूनिट कंजप्शन है वापा के और जिसमें मैं मैंने जो डिज़ाइन किया है वो दस किलो वाट का मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया है तो ये यहाँ तक जो है ना मेरा ग्रीन मीटर लगा हुआ है सिस्टम आपने सारा देख लिया इन्वर्टर देख लिया कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप पीक टाइम से बचने के लिए शाम छः बजे से शाम पाँच बजे से रात ग्यारह बजे तक जितनी कम से कम हो सके वापा कम यूज़ करें इसके बारे में भी जानेंगे इसके बारे, इसके में, बारे, बारे में उमर भाई मेरे से ना पूछें ये पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये टोटल कॉस्टिंग मुझे कितने में पड़ी है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पैसे पूरे कर चुका हूँ एक साल से कम अर्से में क्योंकि मेरे इस पे पांच ए सी चलते हैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मार्केट वेस्ट यूट्यूब चैनल तो आज हम मौजूद हैं अवैस भाई के घर में और इन्हीं से जानते हैं इन्होंने जो अपने घर में सोलर पैनल जो इंस्टॉलेशन करवाई हुई है कितने वोट की है क्या सीन है इन्वर्टर कैसे काम करता है और ग्रीन मीटर कैसे काम करता है तो अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई कैसे हैं आप वालेकुम सलाम उमर भाई जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने घर का विजिट करवाऊंगा और टेन किलो वार्ड के सिस्टम के बारे में आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि एक नॉर्मल घर के लिए दस किलो वार्ड के सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कैसे करता है ठीक है ये जो आप मेरे पीछे सिस्टम लगे देख दे, देख रहे हैं अलहमदिल्ला एक ही सिस्टम लगा देख रहे हैं ये मेरे साथ वाले नेबर में लगा हुआ है और वो कॉर्नर पे सामने बहुत दूर से आप, आपका कैमरा मैन आपको दिखा सके या ना दिखा सके ठीक है ग्राउंड अबाउट जितने भी नियर लगे हुए हैं ये सारे अलहमदुल्ला मेरे नेबर मेरे से देख के इंप्रेस होकर उन्हें लगवाया है कि जहाँ पर सारे लाखों लाखों का मंथली बिल पे कर रहे हैं और मेरे घर में बिल आ रहा है तीन हजार चार हजार अपनी वीडियो में बताया था कि वो दुकानदारी नहीं है कि जो सोलर बेचे और सोलर में सोलर ना लगाए हो तो अवैश भाई ने अपने घर के अंदर माशाल्लाह हमने देखा भी आ वीडियो में देख भी रहे हैं अपने घर के अंदर भी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया हुआ है ठीक है और पीछे भी इनके जितने भी सोसाइटीज़ के अंदर घर हैं सब के सारे घरों में अवैश भाई का सोलर पैनल लगा हुआ है तो अवैश भाई जरा बताइएगा कि जो दस किलो वॉट का सोलर पैनल है इसका क्या कुल पैकेज होता है कितने का लगता है क्या चार्जेज़ आते हैं तो सारी डिटेल बताइएगा तो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ ये मेरे पास बीस पैनल लगे हुए हैं लॉन्गी कंपनी के फाइव फोर्टी फाइव वाट का पैनल है बायफिशियल मैंने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने घर के सिस्टम को डिज़ाइन किया है और अ, मेरे घर का यूनिट जो लोड जो है वो तकरीबन सोलह सौ से अठारह सौ यूनिट जो है वो मंथली मेरे यूनिट कंजप्शन है वापडा के और जिसमें मैं मैंने जो डिज़ाइन किया है और दस किलो वाट का मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने फाइव फोर्टी फाइव वाट के ट्वेंटी पैनल यूज़ किए हैं

मटेरियल के क्वालिटी और सिविल वर्क को देखा जाता है तो ये दस दस पैनल की मैंने दो बना के, एक भी वायर आपको नजर नहीं आ रही होगी सारी केबल टू केबल और पैच होके बिल्कुल ही नीचे वायर के साथ नीचे जा रही है तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अवैश भाई ने जो है ना अपने घर के अंदर सोलर इंस्टॉल करवाया और तो मैंने ऐसे? और देखा जाए तो मैंने हर चीज़ को प्रॉपर क्लिपटाइ से लगा के और पाइपिंग करके आप, आप जैसा आप मेरे पीछे आए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी पाइपिंग मैंने लगाई है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी वायर नहीं है क्योंकि लोग ऐसे करते हैं तो जैसा है कि आप छत के ऊपर देख भी रहे हैं वैसे भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि एक ए सी एक दो तीन चार ए जो है इनके घर के अंदर लगे हुए मतलब ये जो कह रहे हैं ये नहीं कि सिर्फ ये बोल रहे हैं और वो चार एसी उमर भाई वो चार हैं कि ऐसे दो, दो, ये दो, गा दो गा टन के? का ए सी है और ये इन्वर्टर एसी बिल्कुल भी नहीं है अच्छा ठीक है और लोगों के लोगों के घर में इन्वर्टर एसी लगे हुए है जिसमें उनका एक्सपेंस और भी कम आता है हमारे इन्वर्टर एसी मतलब ये इन्वर्टर एसी भी नहीं है और वो इजीली चल रहे जी तो अब ऐसे मुझे ये बताएगा कि जो आपने सोसाइटीज के अंदर लगाए हैं पीछे भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं के जितने भी सोलर पैनल लगे हुए हैं सारे आपने लगाए हुए हैं ये। तो ये सब के सब ये सेम ही एक ही कंपनी के हैं के डिफरेंट कंपनीज के हैं के और ये इनकी डिटेल भी बताएगा कि एक जो एक पैकेज लगा हुआ कितने का है जी उमर भाई अगर ये आपको थोड़ा ये कैमरा मैन आपका जूम करके दिखा दे तो ये सिस्टम भी मैंने लगाया हुआ है और अच्छा, इसकी प्रॉपर वर्किंग इसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन भी मैंने किया हुआ है तो वैसे भी मैं देख रहा हूँ सोलर पहले तो आपने बता दिया अपने एसी का भी बता दिया तो मैं आपका जो स्ट्रक्चर है इससे बड़ा मुतासर हुआ स्ट्रक्चर कितनी किस्म का होता है एक तो मार्केट में बना बना भी मिलता है वो क्या चीज़ होती है और जो आपने बनाया हुआ है क्योंकि सोलर की जो एज होती है वो पच्चीस साल होती है तो ये क्या पच्चीस साल तक इसके ऊपर रह सकता है कि नहीं रह सकता हमारे व्यूवर्स को जरा बताइएगा बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि आप सोलर के स्ट्रक्चर के ऊपर कितना एक्सपेंस यूज एक्सपेंस करते हैं देखें वो बात आगे जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है अच्छा। तो इसी तरह स्ट्रक्चर के अगर इसकी गेज आप हल्की लगा देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी लाइफ उसी हिसाब से कम हो, जा, हो जाएगी ठीक है अब अगर इसकी प्रॉपर गेज में आप इसका इसके मेनटेन करें लगाएं वेल्डिंग प्लांट पर प्रॉपर इसको हर चीज़ पर फोकस दें तो इसकी लाइफ शायद हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा जो पैनल है जो है वो स्ट्रक्चर है वो

आ, ये चीजें जो है वो आ, अब ये देख रहे हैं आप इसके नीचे जी जी मैं बिल्कुल देख रहा हूं पूरी आपने अंदर हमने वो सारा वो किया है के के अंदर अंदर पूरा और, वो बैर करवा के फिर उसके इसकी प्रॉपर जो है ना इसको आ, वो ब्लॉक बना के हमने इसके अंदर रखे हुए हैं ताकि कोई भी इतना हमें वो नुकसान ना हो कि हमारे पैनल वगैरह उड़ जाए और हम अपने साथों से पैनल उठा तो वैसे भी ये तो अपने स्ट्रक्चर का बता दिया कि कैसे जो है इसको लगाया जाता है आपने बता दिया कि बना बनाया होता है खुद बनाया जाता है तो आगे हम सोलर पैनल का बताएगा जो सोलर पैनल होते हैं इसमें कितनी किस्में होती हैं कुछ तो होते हैं जो वोट भी छोड़ देते हैं कुछ होते हैं वो टूट भी जाते हैं तो आजकल बड़ी इसमें दो नंबरी सी चल रही है तो हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताएगा कि जो सोलर पैनल है वो कैसे पता चलेगा कैसे बंदा ले उसकी डिटेल बताइए जी उमर भाई मैं आपको बताता हूँ कि सोलर पैनल्स लेने से पहले आप उसको पूरा प्रॉपर वेरीफाई करें आप इसमें दो तरह के पैनल्स आते हैं एक बायोफिशल आता है मतलब क्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल हैं एन टाइप के पैनल हैं पी टाइप पैनल हैं बायोफिशियल में आता है मोनोफिशल में आता है बायोफिशियल मोनोफिशल में डिफरेंस आपको बताना शुरू कर दूँ तो मैं आपको शायद इस पर सारा दिन ही समझाता रहा लेकिन कोई चंद जो अहम बातें हैं बाफिशियल और मोनोफिशल की एफ एफिशिएंसी के बारे में तो बायोफिशियल पैनल जो है एस कम्पेयर टू मोनोफिशियल सिंगल बोलते हैं है। वो उससे ज्यादा थोड़ा होता है थी 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 है ठीक क्योंकि उसके दोनों साइडों से पैनल काम करता है आप इसको अच्छा। पैनल को उल्टा करके चेक कर सकते हैं तो वो वहां से भी वर्किंग दे रहा होता है और जो सिंगल ग्लास पैनल है वो एक साइड से काम कर रहा होता है लेकिन मोनोफिशियल पैनल वहां उस उस जगह पे लगता है जहां पर वो शीशे की बिल्डिंग हो कोई रिफ्लेक्शन पीछे से आके लग रही हो तो पीछे से काम करना है हमारे यहाँ पे सूरज अलहमदुल्ला एक साइड से निकलता है दो सूरज नहीं है अल्लाह ताला ने एक सूरज बनाया है और उस सूरज को हमारे लिए बनाया है कि उसको और और तो साल, तो चलेगा चलेगा। तो साल तो ना तो हमारे इस ये सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा तो चलते हैं इन्वर्टर के ऊपर और फिर चलेंगे ग्रीमीटर के ऊपर तो आइए जी मैं आपको बताता हूँ खाली ये पैनल्स लगा के आपका बिल जीरो इसके पीछे आपको बड़ी ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं मीनस आपको अर्थिंग बोरिंग प्रॉपर चाहिए होती है आपको इन्वर्टर चाहिए होता है उसके बाद एंड वाला स्टेप जो होता है वो ग्रीन मीटर का होता है क्योंकि वापडा की रिक्वायरमेंट है कि आप पहले अपने घर पे सिस्टम इंस्टॉल करवाए उसके बाद वापडा की टीम आके इंस्पेक्शन करती है कि आपके घर में वाकई आए ये ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं कि हम इनको ग्रीन मीटर लगा दें तो मैं मैं आपको चलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि मैंने इन्वर्टर कहाँ पे लगाया और किस कंपनी का इन्वर्टर लगाया हुआ है तो चलिए चलो जैसे कि हम नीचे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर के पीछे बिल्कुल एक खूबसूरत सा इन्वर्टर लगा हुआ है तो वैसे भी सबसे पहले ये हमें ये बताएगा ये इन्वर्टर कौन सा है किस कंपनी का है और आगे जाके इसकी प्राइस भी पूछेंगे आपसे तो जो, जो बताइएगा हमें इसके बारे में ये ऑन ऑनग्रेड इन्वर्टर लगा हुआ है आई पी सिक्सटी फाइव है आई पी सिक्सटी फ़ाइव का मतलब वाटर प्रूफ है क्रिशियल सिचुएशन के लिए होता है कि अच्छा। जिन घर के पास नाला हो या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस 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 कंडीशन पे ना ये इन्वर्टर लगाते हैं अदरवाइज अगर कोई आउटडोर इंस्टॉलेशन करना चाहता है इस इन्वर्टर की तो तब ये ये वाटर प्रूफ है तो बारिश वगैरह में इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता एक बात दूसरी बात इस इन्वर्टर का लगाने का मकसद ये है कि इस इन्वर्टर से आपके पैनल्स होते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट हुई हुई हैं, हैं, ठीक है। ऊपर अच्छा। पैनल लगे हुए है। दो दो पैनल ऑनलाइन अच्छा। मोबाइल अच्छा। इस, से मोनिटरिंग कर सकते हैं अगर इसमें कोई एरर आता है तो ये आपको उसी टाइम अलार्म अलर्ट करता है कि आपके इन्वर्टर में ये एरर आ चुका है इसकी फाइव इयर्स की कंपनी वारंटी

रिप्लेस करके देती हैं रिपेयर करके नहीं देती क्योंकि ये इन्वर्टर जो है ना एक तक खुल जाए तो ये इसकी वाटर प्रूफिंग खत्म हो जिस तरह आप कोई वाटर रजिस्टर रजिस्टर घड़ी लेते हैं वो एक तक खुलने के बाद वाटर प्रूफ नहीं रहती इसी तरह ये अगर इन्वर्टर रिप्लेस हो ये खुल जाए तो ये वाटर प्रूफ नहीं रहता ये वेरी फर्स्ट पैकिज इसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी वार्निश लगी होती है इन्वर्टर के अंदर जिसकी वजह से इसके कम्पोनेट्स पे वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है और इसके साथ ये आपका आपका ग्रीन मीटर और ये जो है ना ये असेंशियल चीजें इसके अंदर डी पी बॉक्स लगा हुआ है पूरा पूरा का कंट्रोल कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है जिसमें आपकी ये आ, फोर पोल ए सी ब्रेकर लगा हुआ है उसके साथ ये ए सी एस पी डी लगी हुई है एस पी डी होती है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस को बोलते हैं इसमें होता है कि खुदाना खासा वापडा की तरफ से आपके कोई हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आते हैं तो ये एसपी जो है वो बर्न हो जाती है इसका अच्छा। काम है मर जाना जल जाना ठीक है जब ये बर्न हो जाती है तो आप इसको यहां से निकाल के रिप्लेस कर देते हैं उसके बाद दूसरे में ये आते हैं हैं कि डीसी डीसी ब्रेकर लगे हुए है जो वोल्ट आ, दो स्ट्रिंग ऊपर से बना के लगाई हुई है एक ये लगा है और एक एक ये लगा हुआ है ये दो ब्रेकर जो है वो आपकी स्ट्रिंग्स को ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं कि जब आप इसमें ये दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर देते हैं तो आप यहाँ से ब्रेकर ऑन कर दें जिससे जिससे आपका ये सिस्टम जो है कंडीशन में आ जाता है। हो गया। उसके बाद ये डीसी ब्रेकर के साथ डीसी कनेक्ट है और उसके बाद ये तीन वोल्ट मीटर लगे हुए हैं जिसमें आपको हर फेज का अलहदा वोल्ट जो है ना वो नजर आता रहता है तो है। बहुत ही खूबसूरत है अभ्यास में ये सारा का सारा पैकेज इसके बारे में भी जानेंगे इस बात इसके, बारे, इसके में बारे, बारे में उमर भाई मेरे से ना पूछे ये पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये टोटल कॉस्टिंग मुझे कितने में पड़ी है और मैंने अलहमदल अभी तक पैसे पूरे कर चुका हूँ एक साल से कम अरसे में क्योंकि मेरे इस पे पांच ए चलते हैं तो वैसे भाई आपने इन्वर्टर का बता दिया इसकी सारी डिटेल बता दी फीचर्स बता दिए तो एक चीज के लिए मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ की इस यहाँ बैटरीज का नामो निशान नहीं है इसकी क्या लॉजिक है ये कैसे काम कर रहा है उमर भाई आप देखें ये इसके अंदर बैटरीज की कोई ऑप्शन भी नहीं है ठीक अच्छा। है ये हंड्रेड परसेंट ऑन ग्रेड इन्वर्टर है ठीक है इसके अंदर बैटरीज की ऑप्शन नहीं होती और ये टोटली ग्रेड टाइम इन्वर्टर है कि ये डायरेक्टली वापडा के साथ चलता है अच्छा, कि अच्छा। अगर आपकी लाइट आ रही है तो है। ये इन्वर्टर आपकी जो जनरेशन हो रही है वो वापडा को रिवर्स कर रहा है ठीक अच्छा। है अगर आपकी लाइट चले जाती है तो ये इन्वर्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता ये इन्वर्टर बंद हो जाता है ठीक है और ये टोटली ग्रेड टाई इन्वर्टर है ग्रेड टाई का मतलब है कि वापडा के साथ मिल के चलना है। ठीक है और देखा जाए तो बैटरीज का बैटरीज हर साल बैटरी खराब हो जाती है तो अगर आपने बैटरियाँ ही चेंज करनी है तो आप मंथली बिल पे कर लें ठीक है हो गया। तो अच्छा। इसलिए जिस जिन्होंने अपना बिल कम करना है वो ग्रेट टाइम इन्वर्टर की तरफ आते हैं कि सारा दिन में अगर दो घंटे लाइट जाती है तीन घंटे लाइट जाती है तो ये उनके लिए है कि जिन्होंने अपना बिल रिज्यूम करना है बिल कम करना है बिल ख़त्म करना है तो हमारे यहाँ पर अलहमदिल्ला बैटरियाँ नहीं लगी हुई और ना ही हमें बैटरियों की ज़रूरत है क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में लाइट की लोड शेडिंग जो है ना वो बहुत कम है कि हमने उसको कवर अप करने के लिए हमने यू लगाया हुआ है जिसमें यह है कि हमारे पाँच छः पंखे जो है ना क्योंकि देखें सारा सारा दिन एसी चल रहा है तो आपका घर ठंडा रहता है ठीक है अगर एक दो घंटे लाइट चला जाती है अच्छा। तो उसमें यह है कि आप अपना यूपीएस जो है वो घंटा आपका यूपीएस दो घंटे आपका यूपीएस लाइट नहीं आती तो उसमें आपको फील नहीं होता तो अब चलते हैं और, ग्रीन मीटर के तरफ और ग्रीन मीटर की तरफ जानते हैं कि वो कैसा और कैसे काम करता है तो चलिए वैसे भी दिखाईगा हमें मैं बिल्कुल ग्रीन मीटर का आपको दिखाता हूँ कि ग्रीन मीटर मैंने घर के बाहर कोई आपको मेरे ख्याल से कोई ऐसी वायर नज़र नहीं आएगी कि मेरी कोई ओपन वायर नज़र आए क्योंकि सोलर लगा हुआ है और तारें पाँव में लग रही हैं मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ डिटेल वाइज़ कि ये मेरा बाहर ग्रीन मीटर लगा हुआ है ठीक है और वो कैसे काम करता है इसके बारे में सारी प्रॉपर डिटेल जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ ग्रीन मीटर पे देखा जाए ना तो हमारे यहाँ पर वापडा के लाइन मैन जो हैं वो अपनी मर्जी से रीडिंग नोट करते हैं तो अच्छा। इसके ऊपर आपकी इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा पता चलता रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि पीक टाइम से अगर आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है एक और बात बताता जाऊँ कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप पीक टाइम से बचने के लिए शाम छः बजे से शाम पाँच बजे से रात ग्यारह ग्यारह बजे तक जितनी कम से कम हो सके वापडा कम यूज़ करें उसमें ये होगा कि वापडा पीक टाइम में आपको वापडा का यूनिट जो है ना वो महंगा चार्ज करती है और वापडा आपको महंगा यूनिट चार्ज करती है जिसमें पहले पीक टाइम था पाँच बजे से रात दस बजे तक अब वापडा ने अपने टैरिफ चेंज करके ये टाइम कर दिया है शाम च, शाम पाँच बजे से रात ग्यारह बजे तक मतलब दो घंटे एक्सटेंड कर दिया है ये वापडा का मेरा डिस्ट्रैक्ट स्विच लगा हुआ है कि खुदा न खासा अगर वापडा की लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से पहले वापडा के एम्प्लॉयज़ जो हैं आके अपनी सेफ्टी के लिए हमारा सिस्टम बंद करेंगे क्योंकि जब अपनी वो मेन से लाइट ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो हम वापडा को सेल कर रहे होते हैं तो लाइन में करंट आ रहा होता है तो ये यहां से हम ऑफ करके तो लाइन पे काम करवा सकते हैं और उसके बाद ये डिस्कनेक्ट स्विच हमारे दो मीटर लगे हुए हैं हमने उसको आपस में पैरेलल कर दी है है ठीक ये पैरेलल यहाँ पर मैंने पैरेलल कर दिया है और इसका जो है वो मेरा ग्रीन मीटर लगा हुआ है नजर आ रहा है आप सामने में देख रही होंगे कि वैस भाई का ग्रीन मीटर इतना बड़ा सा नजर आ रहा है तो वैसे भी पहले तो ये बताएगा की ग्रीन मीटर कितने का मिलता है कहाँ से मिलेगा क्या आप वो आपकी शॉप से मिल सकता है क्या सीन है उसका ये ग्रीन मीटर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपको सिक्योरिटी बॉन्ड पाकिस्तान पोस्टल ऑर्डर्स के जो है वो एक रुपए के लगे नजर आ रहे हैं ठीक है, अच्छा। है। इसके ऊपर आप ऑन पीक ऑफ पीक कितने यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं आप ये सारा कुछ जो है इसके अंदर आप जान सकते हैं आप अपनी पूरी बचत करने के लिए इसकी रीडिंग के मुताबिक आप अपना जो है एक्सपेंस वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है।, है और ये ग्रीन मीटर लगाना पहले एक बहुत आसान होता था अब एक मामा बन चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन मीटर्स प्रोवाइड करने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो लगा चुकी हैं कि हम उनको मीट कर करते करते जो है ना अपना एक जूतियों का नया जोड़ा ले, ले, ले लेते हैं अच्छा। कि गवर्नमेंट वापडा के इतने चक्कर लगते हैं कि कभी कोई पी पी एम सी रिपोर्ट का नया अब उन्होंने शोशा छोड़ दिया है और पहले एम आई रिपोर्ट फिर पी पी एम सी रिपोर्ट ठीक है कोई इंस्पेक्शन करने आएगा वो इंस्पेक्शन करते हुए आपको हर चीज़ में बहुत मुश्किल आती हैं जिसमें आपको डेढ़ से दो महीने का वक्त लग जाता है ग्रीन मीटर लगवाने में तो ये यहाँ तक जो है ना मेरा ग्रीन मीटर लगा हुआ है सिस्टम आपने सारा देख लिया इन्वर्टर देख लिया तो वैसे भी कोई बंदा अगर ग्रीन मीटर लगवाना चाह रहा है लोगों को लोगों को तो पता नहीं होता जितनी आपने इन्फॉर्मेशन डीपली बता दी है शायद ही किसी को पता हो तो क्या आप ये सहूलत देते हैं लगवा के दे सकते हैं अगर लगवा के दे सकते हैं तो उसके क्या चार्जेस होंगे क्या प्रोसीजर होगा उसका जी जैसा कि आपको पता है कि मैं ख़ुद भी सोलर का काम करता हूं, सोलर इंपोर्ट करता हूं, इन्वर्टर्स इंपोर्ट करता हूं, और मैंने अपने घर पे भी सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और ये सारी चीज़ें अगर आप लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मार्केट वॉइस पर रोज़ डेली नए वीडियो जो टेक्निकल वीडियोज़ हैं इस जैसी वीडियोज़ जिसमें आपको सोलर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसके इसको देख और इसके बाद मेरा अपना यूट्यूब चैनल है एम टी सी सोलर के नाम से उसको भी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा उसमें भी डेली डेली टेक्निकल वीडियोज़ जो है वो आती रहती हैं और अगर कोई ये सिस्टम लगाना चाहता है तो टोटल कॉस्टिंग इस सिस्टम की साढ़े चौदह लाख रुपये में ये आपको सारा कॉस्ट करता है ये दस किलो वाट का सिस्टम है जिसमें आपके पंद्रह सौ से अठारह सौ यूनिट की जनरेशन होती है और इसमें आपका नॉर्मली जो एक घर की एसेंशियल यूज़ है वो दस अठारह सौ यूनिट जो है वो ही होते हैं कि जिसका कनाल का घर है दो कनाल का घर है वो आप इसी चीज इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपका लोड कितना है आप इस दस किलो वाट का सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं मज़द ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें